एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र, दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर अर्थात जो जलाधारी है वहां पर, तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर, तीसरा बेलपत्र, चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर, और पांचवी बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना, जिंदगी में कैसा भी दुख हो वो कटता ही है, वो दुख रह नहीं सकता, ये निश्चितता है।